अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। चल जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आना चाहता है लेकिन वो जो है ना वो इंग्लिश टेस्ट की वजह से जो कि आइल्स एक अजाब बना हुआ है उनके लिए, तो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। और उनके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आइल्स ने जो है ना अब एक नया सिस्टम बना दिया। लेट सपोज़ अगर कोई राइटिंग में, स्पीकिंग में या लिसनिंग में या रीडिंग में जिस भी मॉड्यूल में जो है ना वो फेल हो जाता है तो फिर जो है ना हमें, अगर आपको याद हो तो आइल्स में आपको दोबारा से सारे मॉड्यूल रिपीट करने होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आप दोबारा से हर चीज़ जो है ना वो रिवाइज़ करें। तो अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिलीफ दे दिया है। तो आप सबसे पहली चीज़ जो स्टडी वीज़े पे यहाँ आना चाहते हैं, वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्लियर करती हुई चलूँ कि यूके में जो है ना वो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स की डिमांड नहीं करती, ठीक है। अगर लेकिन अगर जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कंसीडर करना चाहते हैं किसी भी रीज़न पर, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना आपके अकॉर्डिंग टू योर, आप जो भी यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं आप और सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में आइल्स की नीड है, तो उसका इतना ज़्यादा जो है ना वो बैंड नहीं होता। ओवरऑल 6 बैंड होता है लेकिन 6 बैंड लेना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि आइल्स जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं भी आपने जाना है वहाँ कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन यूके में आजकल इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है तो यहाँ कंपलसरी नहीं है कि आप जो है ना वो आइल्स दें। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये कर दी है कि आप अगर लेट सपोज़ कोई भी रीडिंग में या स्पीकिंग में किसी भी चीज़ में वीक है तो वो दोबारा से उस सिर्फ और सिर्फ उस मॉड्यूल को जो है ना वो रिपीट कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है कि जब आइल्स में आप किसी भी बैंड में आप जो है ना वो फेल हो जाते, कोई भी बैंड बिलो आता है जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की, तो आपके लिए अजाब बना होता है और आप दोबारा से सारा रिपीट करते हैं। और फिर वो जो है ना करने का एक होता है ना कि जुनून आप कह सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, वो सेकेंड अटैम्प्ट में आता नहीं है, इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है आइल्स देने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन इन दो आइल्स होते हैं जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक एकेडमिक होता है, एक जीटी होता है। जो एकेडमिक है वो भी इतना टफ़ नहीं होता लेकिन आइल्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो टफ़ बन जाता है, लेकिन इतना टफ़ होता नहीं है। अब बात करते हैं जीटी की। जीटी जो है ना वो जनरल ट्रेनिंग होती है आइल्स की, जो कि आपको वर्क परमिट के लिए चाहिए होता है। वैसे मोस्टली वर्क परमिट जिस तरह जिनकी कम क्वालिफिकेशन है तो वो इतनी डिमांड नहीं करते आइल्स के यहाँ पर यूके में वर्क परमिट के वीज़े के लिए। तो अक्सर मैंने ये भी सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा आइल्स की डिमांड कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, समटाइम तो कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप एज अ जो है ना वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर शेफ़ आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर जो भी आ रहे हैं कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें कम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो उसमें जो है ना वो आपको ज़्यादा बैंड क्या आपको कुछ भी चाहिए नहीं होता। लेकिन अगर चाहिए भी हो तो 4 बैंड चाहिए होता है। वो 4 बैंड ऐसा बैंड होता है कि आप ना पढ़ के भी जो है ना वो इंग्लिश क्लियर कर लेते हैं, बस आपको 1-2 हफ़्ता पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर करूँ, आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ आइल्स की। क्योंकि समटाइम्स स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में, तो आप आराम से जो है ना वो अपना एक मॉड्यूल रिवाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक उसकी कोई फ़ीस होगी, वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आइल्स निकाली है, रिसेंटली ही ये न्यूज़ आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर जिनका माइंड है कनाडा जाने का या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, तो वो इजीली जो है ना वो अगर किसी भी मॉड्यूल में उनको लगता है कि वो बिलो द बैंड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आराम से बाकी मॉड्यूल करें और इसको बाद में दे दें। तो अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है ना वो स्टडी वीज़ा, जिस तरह आजकल जनवरी इनटेक चल रहा है और बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ लेकिन अभी फिर बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है ना वो आप डिपेंडेंट को जनवरी इनटेक में नहीं ला सकते हैं अनटिल अनलेस के आपका कोर्स लाइक रिसर्च बेस हो या पीएचडी बेस हो। और एक और भी कमेंट था कि आप हमें बुला लें, या कोई किसी को बुला नहीं सकता। यहाँ आप किसी के लिए एफर्ट कर सकते हैं, लेट सपोज आप उनके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर यहाँ के आप सिटीज़न हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो उनके लिए माजरा जिन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे यहाँ बुला लें, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, जो भी हेल्प चाहिए होगी आपको मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अपनी तरफ से मैं पूरी एफर्ट करती हूँ कि हर किसी की हेल्प की जाए जिस जिसको हेल्प की नीड है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप मुझे जो है ना वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जो है ना वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि जिसके भी माइंड में कोई क्वेश्चन है या जिसको ये न्यूज़ नहीं पता जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है, तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये सारे काम आपके जस्ट 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, आई थिंक 5 सेकंड ज़्यादा हो गया, तो ये सारे काम आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की तरफ से रिवॉर्ड होता है, बड़ी खुशी होती है, फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाने का दिल चाहता है कि सब्सक्राइबर जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए हेल्प, वो चाहते हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जो है यहाँ आना चाहते हैं और उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।